नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में जदयू को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बिहार के दो नए चेहरों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यानी कि RCP सिंह और लोजपा के एक गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इनके अलावा पूर्व से केंद्र में बिहार के नुमाइंदगी कर रहे RK सिंह को भी प्रमोशन मिला है। गिरिराज सिंह को और अश्विनी कुमार चौबे का मंत्रालय बदल दिया गया है। RCP सिंह और राजकुमार सिंह IAS अधिकारी रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बिहार में मंत्रियों की संख्या फिर 6 हो गई है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में भी बिहार के 6 मंत्री थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद यह संख्या घटकर 5 रह गई थी। स्वर्गीय पासवान के जगह पर पशुपति कुमार पारस ने ले ली है। इस तरह रविशंकर प्रसाद के हटने से बिहार में मंत्रियों की संख्या 6 ही रह गई। जदयू पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। साल 2019 के गठन के समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार CM नीतीश कुमार ने विस्तार से एक दिन पहले ही यह साफ कर दिया कि हमारी पुरानी बात खत्म हो गई है। RCP सिंह को पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। RCP सिंह ने कहा कि सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से गठबंधन में सद्भाव और भी बढ़ता है। आपको बता दें कि CM नीतीश कुमार के करीबी रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह को केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यह जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान की थी। उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी रहे RCP सिंह को अब यह अहम मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं लोजपा के पारस गुट्स से पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि इस विभाग में मंत्री उनके दिवंगत भाई रामविलास पासवान भी रह चुके हैं। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर के पास इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। हरसिमरन कौर के इस्तीफे के बाद से इस विभाग को वो संभाल रहे थे। अपने बयानों के कारण हमेशा मीडिया में रहने वाले गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। ये पहले से केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय संभाल रहे थे। उससे पहले वे सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम यानी कि MSME मंत्री भी थे। नौकरशाह रहे राजकुमार सिंह को मोदी सरकार ने अच्छे कामों का इनाम दिया है। बिहार के आरा से सांसद RK सिंह अब तक केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वतंत्र भार संभाल रहे थे। उन्हें कैबिनेट में विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को भी उनका विभाग बदल दिया गया है। उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह मीडिया में खबर चल रही थी कि अश्विनी कुमार चौबे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह महज अफवाह निकली। वहीं अगर हम बात पशुपति कुमार पारस की करें तो उनका भी कद अब बढ़ा है। NDA का विश्वास हासिल करने में वे सफल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान अपने को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते रहे पर विश्वास प्राप्त करने में चूक गए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान ने NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो पशुपति कुमार पारस ने इसका विरोध किया था। वे शुरू से ही NDA के साथ ही चुनाव मैदान में जाने की वकालत करते रहे हैं, पर चिराग पासवान नहीं माने। अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ने पार्टी पर अपना दावा किया है और चुनाव आयोग के पास फरियाद है। तो ये थे कैबिनेट विस्तार की खबरें। बिहार से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।